अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके साथ अफगानी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पैन में सबसे पहले आधा कप के करीब मैंने तेल डाला है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो मेरे पास है 3 दरमियाने साइज की प्याज, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। उसको मैं इसमें शामिल करूंगी तेल में। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन होगी, हम उस वक्त तक पुलाव का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे पुलाव के मसाले के लिए लिया है 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, साबुत बड़ी इलायची 7 अदद, छोटी इलायची 9 अदद, लौंग 5 अदद और साबुत काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। इन सबको शामिल कर लेने के बाद इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे, इसका हम पाउडर बना लेंगे। पुलाव का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसको साइड में कर देते हैं। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इस पर मैं शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने सौते किया है। फिर 1.5 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है, वो मैंने इसमें डाला है और गोश्त को मुझे भूनना है अच्छे से। गोश्त को उस वक्त तक भूनना है जब तक कि गोश्त का अपना रंग जो है वो चेंज ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त का रंग तब्दील हो चुका था है, और मैंने यहाँ पे नमक डाला है जो कि हसबे जायका है। फिर मैं इसमें डालूंगी पुलाव का मसाला जो हमने तैयार करके रखा था, 1.5 खाने के चम्मच, और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी 1-2 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। पानी जो मैंने इसमें शामिल कर रही हूँ वो 8 कप के करीब है। अब मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी हल्की आंच पे ढक के, जब तक कि गोश्त गल ना जाए। गोश्त जो है वो गल चुका है। 8 कप मैंने पानी डाले थे और तकरीबन ये रह गए हैं 4 कप के करीब। तो फिर मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच ब्राउन शक्कर, यानी कि ब्राउन शुगर। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी पुलाव मसाला, जो भी बच गया था वो सारा मैं इसमें शामिल कर दूंगी पुलाव मसाला। जब इसमें हल्का सा बॉईल होगा तो फिर मैं इसमें शामिल करूंगी 2 कप के करीब गाजरें हैं, जिनको मैंने बारीक लंबाई में काट लिया है, और फैला के इस तरह से आपको डालना होगा गाजरों को। फिर मैं इसमें शामिल करूंगी किशमिश, मतलब इसमें मैं शामिल करूंगी गाजरों के बाद किशमिश, जो कि 1 कप के करीब है। किशमिश को भी आपको इसी तरह से फैला के डालनी होगी। लाइट कलर में भी किशमिश आती है, लेकिन कोशिश करें अफगानी पुलाव के लिए डार्क कलर की किशमिश यूज़ करें, क्योंकि उससे अफगानी पुलाव की शक्ल बहुत अच्छी आती है। बस जब इसमें बॉईल आ गया है तो मैंने यहाँ पे 6 कप चावल, जो मैंने धो के भिगो के आधे घंटे पहले रखे हुए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पे आप जो है आप चख सकते हैं, अगर नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चावलों को दम पे रख दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आपके लिड पे या ढक्कन पे इस तरह से होल है तो आप उसको अल्मीनियम फॉइल से या किसी और चीज़ से कवर कर दें, ताकि चावलों को अच्छे से दम लग जाए। अब यहाँ पे अफगानी पुलाव की ड्रेसिंग की तैयारी कर रही हूँ। फ्राइंग पैन में मैंने 2 चाय के चम्मच ब्राउन शुगर डाले हैं, 3 खाने के चम्मच पानी डाला है। अब मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ये गाढ़ा सा शीरा सा तैयार ना हो जाए। जब शीरा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल करूंगी 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट तक पकाऊंगी, फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे किशमिश, जो कि 1 कप है, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब किशमिश को मैं अच्छे से फ्राई करूंगी इसके अंदर। जब किशमिश अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें शामिल करूंगी
2 कप गाजरें जो कि बारीक लंबाई में कटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटनी है, थोड़ी सी चौड़ी सी हो, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा। यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी कम है तो मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच थोड़ा सा पानी शामिल किया है। और अब मैं तेज़ आँच पे इन दोनों चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी। गाजरों का कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इसको मैं निकाल लूँगी, टिश्यू के ऊपर इस तरह से फैला लेना होगा आपको। अब मैं यहाँ पे इसको साइड में कर दूँगी और फिर मैं चटनी बना लूँगी टमाटर की और हरे धनिए की, जो अफगानी पुलाव के साथ अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ 3 टमाटर जिनको मैंने काट लिया था, और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाला है। लेमन जूस जो है वो मैंने आधा डाला है। अगर आपके पास छोटा है, छोटे साइज़ का लीमू, तो आप एक डालना ही। मेरे पास बड़े साइज़ का था तो मैंने आधा डाला है। 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं। नमक थोड़ा सा डाला है और मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। चटनी तैयार हो चुकी है। अब वो मैं इसको निकाल रही हूँ चटनी को। दूसरी तरफ चावलों में जो है वो दम बहुत अच्छे से लग चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस साइडों से आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होगा चावलों को, और फिर आपने डिश आउट कर लेना है चावलों को, जिस तरह से इस वक्त मैंने डिश आउट कर लिया है। और गाजर जो मैंने इसकी ड्रेसिंग की मैंने तैयार करके रखी हुई थी, वो इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ। और आपके अफगानी पुलाव तैयार हैं, गरम गरम सर्व करें, बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला अगली फिर किसी अच्छी कोई आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।